अपने छोटे छोटे बच्चों के नाल खेतों के विच नरमा चुग रहे प्रवासी मजदूर इस समय काफ़ी उदास ने, क्योंकि मानसा जिले के पिंड के विच नरमे की फसल से गुलाबी सुंडी के हमले ने किसानों के नाल नाल प्रवासी मजदूरों की चिंता भी वधा दिती है। घर बार छड़ के रोजी रोटी कमाने के लिए पंजाब आए प्रवासी मजदूरों के नरमे की फसल खराब होने करके सारे सुपने चकना चूर हो गए ने। आमदन पहला नालों घट गई है। गुलाबी सुंडी के कहर तो बची नरमे की फसल चुग रहे प्रवासी मजदूर राजकुमार, राम स्वरूप, संत राम अते रमाकांत ने दसिया कि पिछले साल ओह 300 तो 400 रुपए कमा लेंदे सन, पर इस साल 70-80 जां फिर 120 रुपए ही कमा पा रहे ने, क्योंकि नरमे की फसल गुलाबी सुंडी लगन दे नाल खराब हो गई है। प्रवासी मजदूरा ने सरकार तो मुआवजे की मांग करदिया कहा कि काम करन दे बावजूद भी साडे कोल खान दे लई कुछ भी नहीं बचिया, इसलिए असी की खावांगे ते अपने बच्चों नू की खवावांगे। यूपी से आया है, नरमा बहुत खराब है, लाल सुंडी लगी है और पिछले साल आए थे तो हमारे लोगों के 300-400 रुपया दिहाड़ी बन जाती, अब तो भैया 120-70-80 में रह जाते हैं। सारा दोस्त काम करते हैं, लाल सुंडी लगी है, नरमा सब खराब है, कोई काम खाने के लिए नहीं बचता है। बच्चों क्या 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 खिलाएं, क्या हम लोग खाएं, इतनी दूर से आए हैं, 1500 रुपया एक आदमी का किराया लग गया यूपी से। नरमा पूरा काना है, निकल नहीं रहा है, सब बेकार है। यूपी से मैं आया हूँ और सुंडी के कारण, लाल सुंडी के कारण मेरा कुछ नहीं बनना, ना किसानों को बनना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बैठ करके, ना मेरी दिहाड़ी बन रही है, ना इनका कुछ बन रहा है। बहुत समस्या, काम कमाई के लिए कुछ नहीं यहाँ है, सुंडी लग गई, पेट पूजा चलता नहीं है, कैसे अब किन जाएंगे, हमको कुछ दिया जाए। पहली बारी में आया तो अच्छी कमाई हुई थी, अब की बारी में आया तो मेरा खर्चा ही नहीं पड़ रहा, किराया भी नहीं निकल रहा, नरमा भी 10-12 किलो चुग रहे हैं, बस होता ही नहीं है। वो कीड़ा उड़ा पता नहीं क्या हो गया, अच्छा नरमा ही नहीं होता, मेरी तो कमाई ही नहीं हो रही पूरी। पहली बारी में तो अच्छी हुई थी, अब की बारी में हो ही नहीं, मेरा किराया नहीं पूरा हो रहा, 15-10 किलो नरमा चुग रहे हैं। सो नरमे दी फसल नु लगी गुलाबी सुंडी कारण जिथे किसानों का लखा रुपया का नुकसान हो रहा है, उथे प्रवासी मजदूरा दे चेहरे भी उदास दिखाई दे रहे ने। सो सरकार नु चाहिदा है कि गुलाबी सुंडी दे कहर तो नरमे दी फसल नु बचाउण दे लई कोई पुख्ता प्रबंध करे जान, तां जो कि अगे तो अजिहा नुकसान किसानां अते प्रवासी मजदूरा नु दुबारा ना झलना पवे। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਮ ਗੋਇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ LMIA ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।